सत श्री अकाल, तुसीं सुन रहे हो न्यूजीलैंड का नंबर 1 पंजाबी रेडियो। साडे ला रेडियो 87.8 FM। मैं हाँ मनदीप कौर संधू, लेके हाजिर हाँ पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबर। जलंधर च बीबी जगीर कौर ने SGPC दे प्रधान की चोन दे लई अपना चोन मनोरथ पत्र जारी कर दिता है, जिस लई 9 नवंबर 2022 नू वोटिंग होवेगी। बीबी जगीर कौर ने कहा कि मैनू खुशी है कि इस बार अकाली दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिता। जे मैनू संगतां वालों सेवा करन दा मौका मिलिया तो मैं मुख तौर पर एक कार्ज करांगी। इस मौके पर बीबी जगीर कौर ने बंदी सिखां दे मामले दे विच कहा कि इस बारे सारे प्रमुख सिखां नू शामिल किया जाएगा, वह चाहे किसी भी पार्टी नाल संबंधित क्यों ना होण। इस दे नाल उन्हां कहा कि पंथ दे काम दे लई मेरी आलोचना करन वालियां कोल जाया जाएगा अते सारियां नू नाल लैके चलिया जाएगा। बीबी जगीर कौर ने कहा कि सिख हैरीटेज कमेटी बनाई जाएगी, जिस वालों सारियां विरासती थावां दी संभाल भी की जाएगी। इस दे नाल ही सिख धर्म दीआं सारीआं मुख पुस्तकां वख-वख भाषावां विच छापीआं जाणगीआं। इस दे नाल ही डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम ते बोलदिआं बीबी जगीर कौर ने कहा कि डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं अकाल तख्त साहिब तों माफ़ी देण तों बाद सिख कौम च भारी रोस है, जिस नूं असीं संभाल नहीं सके। जे राम रहीम नूं 2007 दे विच जेल भेज दित्ता गिआ हुंदा तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी ना हुंदी। अमृतसर दे विच हिंदू नेता सुधीर सूरी दे कतल तो बाद हुण लुधियाना दे गुरसिमरन सिंह मांड नूं जानों मारन दी धमकी मिली है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ दे विदेशी नंबर ते कॉल तो वट्सएप ते मैसेज राहीं धमकियां दे रहियां ने। मांड नूं 21 ते 22 अक्तूबर नूं चढ़ियां धमकियां मिलियां सी। गैंगस्टर दे वल्लों वट्सएप ते भेजे गए मैसेज विच लिखा गया कि मांड तेरा समां आ गया, हुण तूं वी अपने स्वामी नूं याद कर, हुण तेरी वारी आ, बहुत गलत हुण सूरी चला गया प्यारो, ये तुहानू मेरी चेतावनी है। जय बलकारी, मैं देखदा हाँ तुसी किन्नी देर जिउंदे हो, मैं तेरे मगर हाँ, हुण मैं सूरी नूं मारिया ते हुण तेरी वारी है, सिर दे विच गोली मार देवांगा, तुसी जिन्नी सुरक्षा चाहुंदे हो लै लो, मैं तुहानू उत्थे ही गोली मार देनी है। इस धमकी तो बाद गुरसिमरन मंड ने कहा कि पहला मूसेवाला फिर सूरी ते हुण मेरी जान नूं खतरा है, जेकर मेरी सुरक्षा च लगातार अणगहली कारण कोई अणसुखावी घटना वापरदी है तां सुरक्षा कर्मचारी सीधे तौर ते जिम्मेवार होणगे। मेरी सुरक्षा लई 55 साल तो वध उम्र दे बंदूकधारियां नूं जानबुझ के तैनात किया गया है। बुजुर्ग गनमैन पहलां ही बीमारियां दे नाल जूझ रहे हैं ते मन ने कहा कि इन्ने धमकी भरे मैसेज आ रहे ने, मैं समझ नहीं आ रहा कि कहड़ा मैसेज डिलीट करा। मंड ने पंजाब पुलिस नूं धमकी देण वाले व्यक्ति दा पता लगा के कार्रवाई करन दी वी मंग कीती है। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 'ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 104 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 34 'ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 4 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ TRSP ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ RJD ਅਤੇ UP ਦੀ ਗੋਲਾ ਗੋਕਰਨਾਥ ਸੀਟ 'ਤੇ BJP ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਗੋਕਰਨਾਥ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਨ ਗਿਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਨੀਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਮੋਕਾਮਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਪਾਲਗੰਜ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
इस दे नाल जेकर गल करिए पंजाब दे अमृतसर दे हिंदू नेता सुधीर सूरी दे कतल तो बाद हुण सिख फॉर जस्टिस ने दोषी संदीप सिंह नूं 10 लाख रुपए देण दी गल आखी है। सिख फॉर जस्टिस दे आगू गुरपतवन सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया ते अपनी वीडियो पोस्ट करके ऐलान किया कि पैसे संदीप नूं कानूनी प्रक्रिया विच मदद करनगे। जिक्रयोग है कि हिंदू नेता सुधीर सूरी दी अंतिम यात्रा दे दौरान उस तो पहला जिहड़ी वीडियो पाई गई है, पन्नू ने कहा कि संदीप अतवादी नहीं है, उसने 5 गोलियां चलाईयां ने जो हिंदू नेता सूरी नूं लगियां ने। सियासी चेहरे की हत्या का मतलब अतवाद नहीं होंदा, उसने किसी जनतक थान ते बंब नहीं सुट्टिया। पन्नू ने ऐलान किया कि SFG संदीप के नाल 2% सिखा नाल छेड़छाड़ की गल करन वाले हिंदू नेता नूं मारना गलत नहीं है, संदीप नूं इंसाफ दिवाउण विच SFG मदद करेगी, इसलिए वह संदीप के परिवार को 10 लाख रुपए भी देंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी की चोण लैके पके हुए सियासी माहौल के संबंध में प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी दे वल्लों सिख मसल लैके अपने विचार रखे गए हैं। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के संबंध में अपना पक्ष रखा। बीबी जगीर कौर बादलों का लफाफा कल्चर की गल के जवाब से धामी ने कहा कि जो बीबी जगीर कौर प्रधान बनाया जाता है उस समय उन्होंने वालों लिफाफा कल्चर का विरोध क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीबी जगीर कौर विरोधियों की चुक में आके बेतुकियां गल्ला कर रही है। उन्होंने कहा कि जदों ये लोग संस्था की अगवाई कर रहे होंगे ने तो उस समय कुछ होर बोलते हैं, पर जदों इन्हों की बाहर आते हैं तो इन्हों की बोली ही बदल जाती है। उन्होंने कहा कि लिफाफा कल्चर एक नवा एलीगेशन शुरू किया गया जिसका कोई आधार नहीं है। बीबी जगीर कौर वखरेवें संबंधी उन्होंने कहा कि बीबी नाल मेरा कोई भी निजी वखरेवा नहीं है। फिलहाल इस हुण तक दी खबरां नवीं ते ताज़ा खबरों की जानकारी दे लई सुनते रहो न्यूजीलैंड का नंबर 1 पंजाबी रेडियो साडे दा रेडियो 87.8 FM। सत श्री अकाल।